हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ और मेरी फैमिली भी खैरियत से है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से हम बिज़ी थे तो वीडियो नहीं बनाई, तो आज वीडियो बना रही हूँ। आज की वीडियो में निम्रापी करेंगी मुकद्दस का मेकअप। मुकद्दस को हम अपने एक व्लॉग में लाए थे, उसका छोटा सा क्लिप था, तो हमने सोचा कि ना आज आप सबको मुकद्दस से भी इंट्रोड्यूस कराया जाए और मुकद्दस के फेस पे करेंगे निम्रापी मेकअप और आप देखें निम्रापी के मेकअप स्किल्स के वो मेकअप कैसा करती हैं। वैसे तो वो बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, हमें तो अच्छा ही लगता है, लेकिन आज आप लोग भी देखें और फिर कमेंट करके बताएं कि वो कैसा मेकअप करती हैं। तो अभी हम मुकद्दस के फेस पे अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, और ये मैक का फाउंडेशन लिया है मैंने, जो कि मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ, और उसके बाद ये स्पंज के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप ब्रश के साथ अगर लगाओ या स्पंज के साथ, जैसे आपको इजी फील होता है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका फेस जो है इवन टोन लगे। अलग अलग साइड से बेस होता है कई लोगों की, जैसे एक साइड से होती है और एक साइड पे होती नहीं या फट जाती है, तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाद हम लगाएंगे पैनकेक, और ये कैरलॉन का पैनकेक है जो मैंने लिया है, इसको भी हम स्पंज से लगा लेंगे। मेरे पास मेकअप में जो भी चीज़ें हैं वो एक ही ब्रांड की नहीं है, जो मुझे मेकअप अच्छा लगता है तो मैं वही ख़रीद लेती हूँ, जैसे कि किसी भी कंपनी का होता है अच्छा लगे तो मैंने ले लेती हूँ मैं, ऐसे ही है। तो ये पैनकेक हमने मिक्स कर दिया है अच्छे से। इसके बाद हम लगाएंगे जो हमारा लास्ट है बेस का मेन हिस्सा, वो है कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर ये देखें, ये बहुत अच्छा है, मैं तो यही यूज़ करती हूँ। मेरे पास और भी कंपनी की हैं, मैं फिर आपको कभी दिखाऊंगी, तो ये फ़िलहाल आजकल तो यही यूज़ करती हूँ मैं। तो इसे भी हम ब्रश की मदद से लगा लेंगे। इसका भी स्पंज वो देते हैं साथ में, लेकिन मुझे ऐसे इजी लगता है लगाने के लिए। वैसे मेरे घर पे तो मेरे हाथ का किया हुआ मेकअप सबको बहुत पसंद है। और अब ये हम आईब्रो पे लगा रहे हैं ब्लैक आई शेड, क्योंकि अब आईब्रो अभी तो ये बची है तो बने नहीं हुए, तो बस मैं वो सिर्फ बेस जो है उसको थोड़ा सा साफ़ करने के लिए लगा रही हूँ। और ये हमने आई शेड लिए हैं ग्लैमर्स के, डार्क मेहरून आई शेड जो मैं आई की कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि इससे आँखें जो हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं।
ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का ही इसको रखना है ताकि फेस ज़्यादा वो बड़ी नहीं लगे। इसकी एज छोटी है अभी, तो इस वजह से उसको भी हम लोग लाइट ही रखेंगे। ये अभी मैंने लिया है गोल्डन कलर का आई शेड, और इसको अच्छी तरह से साथ में ये जो आई कॉर्नर पे आई शेड दिया है इसके साथ मिक्स कर लेंगे ताकि वो अलग अलग से नज़र नहीं आना चाहिए। मिक्स हो गया है, अभी काफ़ी चेंज लग रहा है आँख में, देखिए। और ये मैंने लिया है हाइलाइटर, ऊपर मैं आईब्रो के नीचे इसको थोड़ा सा लगा रही हूँ, और इसको आई कॉर्नर पे भी एक साइड पे लगा देंगे थोड़ा सा। ये देखें, ये हमने लगा दिया है एक साइड पे, और ये मैंने लिया है गोल्डन कलर का ग्लिटर जो कि मैंने थोड़ा सा लिया है और इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया है। इसके बाद अब हम ये आईशेड जो आंखों के नीचे थोड़ा सा गिर गया है तो वो उसको साफ कर रहे हैं। ये थोड़ा सा जो आईशेड मैंने मेहरून कलर का लगाया था वो आंखों के नीचे भी हल्का सा उसका टच कर रही हूँ। अभी हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। वैसे तो मैं अपनी आंखों पे आईलाइनर आराम से लगा लेती हूँ, लेकिन किसी और की आईज पे लगाना होता है तो मुझे बहुत मसला होता है क्योंकि मेरे हाथ जो हैं वो कांपते हैं। मुझे खुद का मेकअप करने की ज़्यादा आदत है तो इतना मैं करती नहीं हूँ, सिर्फ घर पे होता है, फैमिली में ही किसी का करना पड़ता है तो कर लेती हूँ। ये देखें आईलाइनर हमने अप्लाई कर दिया है, और अभी देखिए आप मुकद्दस की आईज कितनी प्यारी लग रही है। और ये हम लगाएंगे वाइट पेंसिल ताकि इसकी आईज और ज़्यादा खूबसूरत लगे। और अब हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। मस्कारा भी मेरे पास ग्लैमर्स का ही है, तो ये मस्कारा हमने अच्छे से अप्लाई कर दिया है। और थोड़ा सा आंखों के नीचे भी आईलैश पे अप्लाई कर देंगे। तो ये देखें हमारी जो एक आइस है वो कंप्लीट हो गई है। अब ये दोनों देखें आप, अच्छी लग रही है ना? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मुकद्दस को भी बहुत हंसी आ रही है, मुकद्दस को बहुत पसंद है मेकअप करवाना। तो ये मैं अभी कर रही हूँ इसकी नाक की कंटूरिंग ताकि इसकी नाक जो है तो वैसे पहले ही बहुत थोड़ी सी छोटी सी है तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो इसके लिए मैंने, आपको पता ही होगा, डार्क कलर यूज़ किया है जो कंटूरिंग में यूज़ होता है, और ये अच्छे से फेस की कंटूरिंग थोड़ी सी कर देंगे हम लोग। वैसे तो ज़रूरत नहीं है इतनी क्योंकि मुकद्दस का फेस पहले से ही इतना छोटा सा है। देखिए फोरहेड पे भी कर देंगे।
और अब हम लहसुन फ्राई करेंगे। ये लाइट पिंक कलर का लहसुन लिया है मैंने, इसको अच्छे से अप्लाई कर देंगे। जितना आपको रखना है वो आपकी मर्जी है ना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डार्क लहसुन रखते हैं और कुछ बहुत लाइट। चलें जी, तो ये देखें हो गया है हमारा ब्लश अप्लाई, और अब हम लगा रहे हैं हाइलाइटर ताकि उसके फेस पे थोड़ी सी शाइन आएगी। पता नहीं आप लोगों को अब हमारी ये वीडियो पसंद आएगी या नहीं आएगी, हमने बहुत मेहनत की है इसके लिए, वो आप देख ही रहे हैं। ये थोड़ा सा हाइलाइटर नोज़ पे भी लगा दिया है, और मुकद्दस की नोज़ जो है वो बहुत ही अभी चमक रही है। चलें अब लगाएंगे लिप पेंसिल। ये इसके लिप की जो शेप है वो अच्छी लगेगी, तो पहले हम लिप पेंसिल लगाएंगे। और ये लिप पेंसिल लग गई है, और अब हम ब्रश के साथ लगाएंगे और लिप कलर। लिपस्टिक का कलर मैंने लिया है रेड, ये मैं अब लिपस्टिक लगा रही हूँ ब्रश के साथ। रेड कलर मेरा बहुत फेवरेट है, मैं ज़्यादा जो मेरी लिपस्टिक होती हैं उसमें मेरे पास रेड कलर ही होता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। शायद आप लोगों ने मेरी एक दो वीडियो में देखा भी होगा, मैं रेड कलर की लिपस्टिक ही लगाती हूँ ज़्यादा। उम्मीद तो यही करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मेकअप मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुकद्दस का फेस आप देख ही रहे हो पहले कैसे था और अभी कितना चेंज लग रहा है, और आप लोगों को भी आई होप अच्छा लगेगा। तो ये देखें मेकअप कंप्लीट हो चुका है हमारा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।